लव्य व्यवस्था अध्याय 16 लव्य व्यवस्था अध्याय 16 प्रायश्चित के दिन का आचार। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे, बीच वाले पर्दे के अंदर, पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करना, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेंढे को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए दो बकरे और होम बलि के लिए एक मेंढा ले आए। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होगा, चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए। और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को, जो उसी के लिए होगा, समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर पश्चिम के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी सात बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए। और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। और मिलाप वाला तंबू, जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास, जो यहोवा के सामने है, जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सिंगों पर लगाए और उस लोहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर छिड़क कर उसे
इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे, और जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उनको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, और वह बकरा उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर ला दे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाए। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतारकर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर होमबलि और साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजालेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लोहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। और तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने जीवन को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह शनि के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया।